गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो चलिए आज हम लोग चलते हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 13 की ओर, जिसमें हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ वाज एंड वेयर। इसमें क्या सीखे हम लोग? यूज ऑफ वाज एंड वेयर। तो बात आ रहा है कि सर वाज और वेयर लगता कहाँ है? तो देखिएगा बाबा, बता देते हैं थोड़ा सा हमें कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में नाउन या एडजेक्टिव है, क्या रहे? नाउन या एडजेक्टिव है, और नाउन या एडजेक्टिव के बाद था थे थी लगा हुआ रहे, नाउन या एडजेक्टिव के बाद था थे थी लगा हुआ रहे, तो उसको हम लोग बनाते हैं वाज या वेयर के द्वारा। वाज या वेयर से बनाते हैं। अब बात आ गया वाज कहाँ लगता है, वेयर कहाँ लगता है कि नहीं? तो देखिए, बाज लगता है आपको ही सी इट, है ना, आई ही सी इट, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ आई ही सी इट, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। वेयर लगता है यू बी दे, या फिर पूरा नाउन के साथ। आया समझ में कि नहीं? अब देखिए, ज्यादा तो हम लोग डिटेल से सीखना है तो एक्सरसाइज में चलते हैं, पूरा डीपली सीखेंगे, है ना। तो देखिएगा, वह पहला कह रहा है क्या कि मैं अनुपस्थित था, क्या मैं अनुपस्थित था, क्या लग गया? तो जैसी क्या लग जाए ना बाबा हो, तो इसमें जो बाज या बेयर है ना, बाज या बेयर को सेंटेंस के पहले कर देंगे, पहले लगा देंगे, है ना। पहले जो सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, अब नहीं, अब सब्जेक्ट के पहले यानी सेंटेंस के शुरू में बाज या बेयर से शुरुआत करेंगे, है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि बाज लगेगा कि बेयर। तो देखिये, कह रहा है क्या मैं अनुपस्थित था, यानी मैं आ गया, तो मैं के होता है आई, अब आई के साथ क्या लगता है? बाज। तो यहाँ लिखेंगे पहले बाज, लिखेंगे तो बाज, उसके बाद लिख दीजिए आई, और फिर अनुपस्थित क्या क्या होता है, ऑप्शन ए बी एस ई एन टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, है ना। अगला कहता है क्या हम लोग उपस्थित थे, तो क्या हम लोग, तो हम लोग हो गया बी, तो बी के साथ क्या लगता है, बेयर, तो बेयर, उसके बाद लिखेगा बी, उसके बाद उपस्थित क्या होता है, प्रेजेंट, पी आर ई एस ई एन टी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कह रहा देखिए, क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था, तो मैं यानी आई, ताई के साथ बात, बात पहले लिख दीजिए, तो बाज आई रॉन्ग, बाज आई रॉन्ग। अगला देखिए, कहता क्या तुम सही थे, तो तुम है, तो तुम के साथ क्या लगता है, बेयर, तो पहले लिख दीजिए बेयर, अब बेयर के यू, उसके बाद सही के क्या होता है, राइट, आर आई जी एच टी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला देखिएगा बाबू, कह रहा है क्या वह निर्भीक था, तो देखिए क्या वह निर्भीक था, तो वह है, तो वह के साथ क्या लगाते हैं, बाज, तो बाज, उसके बाद ही, निर्भीक होता है फियरलेस या फिर बोल्ड, बी ओ एल डी, बोल्ड भी नहीं होता है निर्भीक, या फिर फियरलेस, फियरलेस, है ना। अगला देखिए, कहता क्या तुम प्यासे थे, तो तुम है यानी यू, यू के साथ क्या लगाते हैं, बेयर, तो बेयर, उसके बाद यू, प्यासे होता है थर्स्टी, टी एच आई आर एस टी बाई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला देखिए, कह रहा समझेगा बोलो, कह रहा क्या वे लोग धूर्ते थे, तो वे लोग हैं, तो दे, ता दे के साथ क्या लगाते हैं, बेयर, तो बेयर, दे, धूर्त क्या होता है, कनिंग, सी यू डबल एन आई एन जी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कह रहा क्या वह कुरूप थी, तो देखिए थी है यानी बाज के प्रयोग करेंगे, सी, हाँ सी के प्रयोग करेंगे, तो सी के साथ क्या लगाते हैं, बाज, तो बाज, सी, अगली यूजी, यूजी एल वाई, है ना। अगला देखेंगे वो, क्या क्या रामजी बाबू विद्वान थे, तो देखिए रामजी बाबू कै गो, तो एगो, तो एगो यानी सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, बाग, रामजी बाबू, आर ए एम जे आई, रामजी बाबू, बी ए बी यू, बाज रामजी बाबू, विद्वान को होता है लर्नेड, एल ई ए आर एन ई डी, क्वेश्चन मार्क लगाइए। अगला कह रहा है बगो,
क्या तुम लोग असंतुष्ट थे? तो तुम लोग है दयु, दयु के साथ क्या लगाते हैं? बेयर, तो बेयर यू है ना। अब असंतुष्ट क्या होता है ना, डिससेटिस्फाइड, डी आई एस सेटिस्फाइड, एस ए टी आई एस एफ आई ई डी डिससेटिस्फाइड। अगला देखिए कह रहा, क्या आप संतुष्ट थी है ना, तो आप है तो यू के साथ क्या लगाते हैं? बेयर, तो बेयर यू सेटिस्फाइड, एस ए टी आई एस एफ आई ई डी सेटिस्फाइड। कह रहा क्या नदी सुखी थी, देखिए समझिएगा, क्या नदी सुखी थी, तो थी यानी डिफिनिट, यहाँ पे देखिए क्या नदी सुखी थी, जोर दे रहा है ना, दबाव डाल रहा है, यानी डिफिनिट है, तो डिफिनिट है तो नदी के पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे है ना। तो देखिएगा पहले लिखिएगा नदी, तो नदी है सिंगुलर, तो क्या लगेगा? बाज, तो बाज द रिवर है ना, और सुखी को होता है ड्राई, डी आर बाई। कह रहा क्या आप वहां थे, तो देखिए आप है, तो क्या लगाएंगे? बेयर यू, और वहां के क्या होता है? देयर, टी एच ई आर ए। अगला देखिए बुआ, क्या पुस्तक अच्छी थी, तो पुस्तक के यहाँ डिफिनिट, तो डिफिनिट है तो द लगाएंगे, और पुस्तक है सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे? बाज द बुक है ना, अच्छी के क्या हो गया? गुड। आ रहा समझ में? इसको मिटा देते हैं बगुआ हो। फिर देखिएगा कह रहा क्या कमरा आरामदेह था, तो क्या कमरा आरामदेह था, यानी कमरा यहाँ निश्चित है। तो पहले देखिए लगाएंगे कमरा के लिए क्या लगाएंगे? बाज द रूम है ना, आरामदेह होता है कंफर्टेबल, सीओ एम सी ओ एम एफ ओ आर टी ए बी एल ई, क्वेश्चन मार्क लगाइए। कह रहा क्या तुम एक किराने थे, तो देखिए तुम यानी बेयर, तो बेयर यू है ना एक किराने, एक क्लर्क सी एल ई आर के। अगला लोग क्या वह एक छात्र था, तो वह के लिए क्या होगा? बाज, तो बाज ही ए स्टूडेंट एस टी यू डी एन टी, फ्यूचर मार्क लगाएंगे। कह रहा क्या वे लोग शिक्षक थे, तो वे लोग है तो क्या लगाएंगे? बेयर दे है ना, बेयर दे टीचर्स टी ए सी एच ई आर एस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या वे लोग ग्रामवासी थे है ना, तो वे क्या वे लोग, तो वे लोग के लिए क्या हो गया? बेयर दे विलेजर्स वी आई डबल एल वी आई डबल एल ए जी ई आर एस विलेजर्स बी आई डबल एल ए जी ई आर है ना। अब विलेजर ग्रामवासी है तो विलेजर्स एस लगा दीजिए। अगला है बोलो क्या आप लोग नेता थे है ना, तो क्या लगाएंगे? बेयर, अब बेयर के यू उसके बाद नेता के लीडर्स, कहा आप लोग है तो लीडर्स। आया समझ में? कोई दिक्कत है, दिक्कत रहेगा कमेंट कीजिएगा है ना। तो फिर क्या कहें आपसे, यही कहेंगे कि बगुआ हो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बगुआ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए है ना। इसको क्या कीजिए, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, यही आपसे अनुरोध है, निवेदन है ना। और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए है ना, हम आपका भरोसा कभी नहीं छोड़ेंगे है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद है ना।